हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कद्दू के छिलके और आलू की रेसिपी। इसको देखने के बाद आप कभी भी जो कद्दू का छिलका है उसे वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले कद्दू का छिलका लिया हुआ है और आलू लिया हुआ है, बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च लेंगे। इसके बाद हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे सरसों। जब हमारा सरसों पॉप हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे लगभग हाफ टी स्पून जीरा, और जीरे के पॉप होने के बाद इसमें हम जो प्याज और हरी मिर्च काट कर रखे हुए थे उसे ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम बिल्कुल भी एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, हम हल्का सा जो हमारा प्याज है वो भुन जाए उतना हम इसको भुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज भुन चुका है। चलिए अब हम इसमें जो हमारा कद्दू के छिलके को काट कर रखे थे उसे ऐड करेंगे, और इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है। इससे हमारा जो छिलका है वो भी यूज़ हो जाता है और इसका जो स्वाद है वो भी बहुत ही अच्छा होता है। इसको आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें, और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। देखिए मैं इसको कंटिन्यूसली चला रही हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इसमें जो हमारा आलू है उसे ऐड करेंगे और फिर से हम इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। सूखे मसालों में सबसे पहले मैंने इसमें हल्दी डाला है। हल्दी के बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया का पाउडर, और अपने टेस्ट के अनुसार इसमें डालिएगा लाल मिर्च का पाउडर, और फिर हम इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो बिल्कुल अच्छे से कोट हो सके। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो आलू है वो भी अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और फिर हम इसको मिक्स करेंगे। इसको बहुत ही आसानी से लगभग हम 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको बच्चों के टिफ़िन पे भी या फिर मॉर्निंग में ऑफिस जाते समय बिल्कुल क्विकली बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसमें लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। गरम मसाला डालने से इसका जो टेस्ट और खुशबू है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव में शेयर ज़रूर करें, और लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।